संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च मानवाधिकार इकाई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का चुनाव भारत ने बहुमत के साथ जीत लिया है। गुप्त मतदान के जरिए हुए इस चुनाव में भारत को 193 में से 188 वोट मिले। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनाव में भारत को 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया। भारत को एशिया प्रशांत श्रेणी में सबसे ज्यादा 188 वोट मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 97 वोट की जरूरत होती है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत की जीत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की स्वीकार्यता दिखाती है। India's victory today at the United Nations General Assembly during the elections to the Human Rights Council is a reflection of the high standing that our country enjoys globally. We are grateful to the many, many friends that we have across the globe who came out and voted in such large numbers to ensure that India got the highest number of votes among all the 18 candidates. We'd like to assure them that India will continue its balanced and moderate approach towards the promotion and protection of human rights globally. भारत इससे पहले भी साल 2011 से 2014 और 2014 से 2017 तक 2 बार लगातार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य रह चुका है।